नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की ओर से कंगना रनौत को टिकट दिया गया। इसके बाद सोमवार को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर चुनावी गलियारों में काफी बवाल भी हुआ। उनकी टिप्पणी पर भारी आक्रोश के बीच कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को उस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में हटा दिया जहाँ उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लड़ा था, लेकिन वह भाजपा के पंकज चौधरी से हार गई थी। इस बार कांग्रेस ने कंगना रनौत पर अपने पोस्ट को लेकर राजनीतिक भंवर में फंसी सुप्रिया श्रीनेत को हटाकर वीरेंद्र चौधरी को इस सीट से टिकट दिया है। सुप्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की तस्वीर और अपमानजनक कैप्शन के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया था। सुप्रिया ने तुरंत स्पष्ट किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से एक ने यह अनुचित पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे पता चला मैंने वह पोस्ट डिलीट कर दी। जो भी लोग मुझे जानते हैं वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकते। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत को उनके पोस्ट पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपनी 8वीं सूची की घोषणा की, जिसमें 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के लिए 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। पार्टी अब तक 208 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यागवेंद्र सिंह और विदिशा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा। दामों में तरवर सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।